गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया है कि हाउ टू मेक मोटो ब्लॉग, या मोटो ब्लॉग शुरू करने के लिए क्या सबसे ज़रूरी है, क्या चाहिए। हाईवे पर चले जाऊँ, उसके बाद अच्छे से आपसे बात करता हूँ। सो अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल गया बाहर। सो आपको बताऊँगा कैसे मोटो ब्लॉग एक बिगनर को शुरू करना चाहिए, और उसमें चाहिए आपको क्या, कम बजट में आप कर सको, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। आई होप आपको आवाज़ अच्छा मिले। मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। तो ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या है, कौन सा कैमरा आप यूज़ कर सकते हो, कौन से माइक आपको चाहिए। एक्चुअली में होता है कि जब स्टार्टिंग नया ब्लॉगर होते हैं तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो अपना ब्लॉग शूट करते हैं, मोटो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको कैमरा चूज़ करने का, कौन सा कैमरा चूज़ करना है, कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा एक्शन कैमरा लिया जाए, क्योंकि कम बजट में भी कैमरा आते हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती है। और आप उसमें माइक सबसे बड़ी इशू होती है, आपको माइक कनेक्ट करने का, माइक कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अभी मैं करना में हूँ, और तरना की साइड काफ़ी डेवलप हो चुका है इधर का। मैं देख रहा हूँ अभी काफ़ी दोस्त, क्या 3 साल पहले आप आया हो तो इतना डेवलप नहीं हुआ है। ये पुल बन गया है और इधर बड़ी बड़ी फ्लोर बिल्डिंग तैयार हो रहे हैं। तो बनारस का भी कुछ डेवलप पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे मोटो ब्लॉग का। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बोया के माइक का जो वायर का जो लेंथ होता है काफ़ी बड़ा होता है, जिससे आप अच्छे से एक मोटो ब्लॉग सेटअप तैयार कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप एक, आपके पास या तो स्कूटर हो, स्कूटी या तो बाइक, कोई भी बाइक हो, 125 cc या 150 cc या उससे ऊपर कोई भी बाइक मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पास किसी भी cc के बाइक होना चाहिए, यह जरूरी। माइक अडाप्टर आप एक चाहिए, क्योंकि जो GoPro कंपनी होती है, जो GoPro एक्शन कैमरा होता है, उसमें आपको डायरेक्टली माइक कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए आपको माइक अडाप्टर चाहिए। आप सबसे बड़ी इशू यही है कि माइक अडाप्टर का, आप माइक अडाप्टर आता कितने का है, बात यहाँ पर होती है। तो गाइस, माइक अडाप्टर का जो कॉस्ट होता है, अब आप मान के चलो आपको 4000 से 5000 के बीच में, मान के चलो 5000 आप तक मिल जाएगा आपको। तो आपको जो बजट है ना, थोड़ा सा हाई जा सकता है, थोड़ा सा वो बैलेंस बिगड़ सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि आपका जो एक्शन कैमरा है, आप अगर मान आप लेके चलते हो GoPro ही खरीदे, तो GoPro का कोई भी नॉर्मल कैमरा लोगे तो आपको 20000 से कम नहीं मिलेगा। तो अगर आप GoPro 9 लेते हो, जैसे मैं GoPro 9 यूज़ कर रहा हूँ, GoPro 9 से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम, तो GoPro 9 का जो कैमरा है, इसका बजट आएगा मार्केट में, और ऑनलाइन आप कहीं भी चेक कर लो तो आपको 35 से 36 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आपका भी 36000 का मान लो GoPro हो गया, 5000 का आपको माइक अडाप्टर हो जाएगा, और उसके बाद कोई 250 या 500 रुपये आप लोगे, क्या बोलते हैं, माइक लोगे, तो आपको सब बजट जाएगा। आपको मांगे चलो आपका 50 से ऊपर 60 टच हो जाएगा। उसके बाद कोई बाइक लोगे, तो कहने का मतलब मेरा है कि आप एक मोटो ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। आप एक ब्लॉग अच्छे, एक मोटो ब्लॉग सेटअप तैयार कर सकते हो, और इन सबको तैयार करने के बाद आप एक, आपको मोटो ब्लॉग के लिए अपना GoPro को सेफ्टी करने के लिए उसका केस आता है, जो अराउंड 1000 से 1500 के बीच में जाएगा। तो ये सब आपको जो मेन कॉमन चीज़ है, जो जिसका ज़रूरी है, आपको ये सब लेना पड़ेगा। अगर साइकिल से ब्लॉग बना सकते हो आप, चल के अपना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैसे बना सकते हो। तो ये मोटो ब्लॉग का सबसे मेन चीज़ चाहिए आपको, जो इतना आप रख लोगे तो आपका एक सेटअप तैयार हो जाएगा। काफ़ी सुंदर बना रखे इन्होंने यहाँ का पूल।
नोएडा में, अगर मैं नोएडा में रहता तो नोएडा में ऐसे पुल दिखते थे, लगता था कि यार क्या नोएडा है। लेकिन अपना बनारस भी अब किसी भी नोएडा से कम नहीं है अपना बनारस, देखिए अब कितना सुंदर हो चुका है। सो गाइस मुझे अब चलना है यहाँ से लेफ्ट और बाइक तेज चला कर देखते हैं क्या क्या इसका क्वालिटी है, वॉइस का माइक का क्या कनेक्ट। एक्चुअली मैं नीचे से हवा थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो इसको मेरे को इसको ठीक करना है, तो ये देखता हूँ अभी चलाकर थोड़ा बाइक। अब गाइस आप कमेंट में जरूर बताना कि कैसा वीडियो बना है, और मैं मोटो ब्लॉग अब मेरा ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं बनाता रहूँगा। अभी मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो थोड़ा उसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ खुद को, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा आपका अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। कमेंट बताना कि वीडियो कैसा था, और आगे मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।